everyone. My name is Ananya. I study in class 10. Today in this video, we will discuss about a chapter of Hindi that is Bal Gobind Bhagat. जीवन परिचय। रामवृक्ष बेनपुरी का नाम हिंदी के निबंधकारों में बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। उनका जन्म बेनपुरी नामक एक गांव में सन 1899 में ईस्वी में हुआ। उनके माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो चुका था। उन्होंने बड़ी ही कठिनाइयों से अपनी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। सन 1920 में वे गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उन्हें बहुत बार जेल जाना पड़ा। आजीविका के लिए उन्हें पत्रकारिता और साहित्य लेखन को अपनाया। सन 1968 में उनका स्वर्गवास हो गया। रचनाएं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, पतितों के देश, चिता के फूल, नेत्रदान, अम्बपाली इत्यादि। उनकी प्रकाशित पुस्तकों की सूची 50 से ऊपर है। उनकी साहित्यिक विशेषताएं। बेनपुरी जी के निबंध में विचार, कल्पना, भावना और उनका अद्भुत संगम दिखाई देता है। उनकी विचारधारा एकदम स्पष्ट है। वे अपनी बात को पाठक के हृदय तक पहुंचाने के लिए विभिन्न उदाहरणों का सहारा लेते हैं। उनमें देश, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही तीव्र ललक दिखाई देती है। वे युवकों को त्याग, बलिदान, कर्म की प्रेरणा देते हैं। बाल गोविंद भगत निबंध में उनके बहुत ही सुंदर ढंग से जीने की कला सिखलाने का प्रयत्न किया है। उनकी भाषा शैली। बेनपुरी जी की भाषा अपने कलात्मक रूपों के पाठकों से चमकृत करती है। उनकी भाषा रौनक और सशक्त है। छोटे छोटे वाक्य, चुटीले विचार, अल्प विरामों की निरंतर श्रृंखला आदि से उनके निबंधों में प्रवाह गुण आ गया है। वे संस्कृत और तद्भव शब्दों को मिला जुला कर प्रयोग करते हैं। उनकी वाक्य रचना जितनी सरल है, शब्द लेखन उतना ही सहज है। विचारों की स्पष्टता के कारण उनके वाक्य भी छोटे और स्पष्ट हो गए हैं। धन्यवाद।